नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम सभी राज्यों की पूरी जानकारी देखेंगे, जैसे वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, सीट कितनी है, मतलब वहाँ पे विधानसभा की विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, वहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और इन सबको हम एक माइंड मैप के जरिए देखेंगे। और देखो ये डाटा लेटेस्ट है, मतलब आज 26 अक्टूबर 2020 तक ये अपडेटेड लिस्ट है पूरी, तो इनके आप नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? देखो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। जिलों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखो ये चारों सीटें भारत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा की भी सबसे ज्यादा है, राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा है, विधानसभा की भी और विधान परिषद की भी। देखो यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जहां पे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जहां पर सिर्फ विधानसभा या लेजिस्लेटिव ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो इतना तो आप समझ गए ना। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। अब इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ टच होती है? उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। अब दूसरी स्टेट देखते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, एक तो गैरसैंण, ये समर कैपिटल है, ये जो अभी बनी है रिसेंटली, और एक देहरादून, ये उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। उत्तराखंड के सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है। चीफ जस्टिस, देखो यहाँ पे जो हाईकोर्ट है ना उत्तराखंड की, ये नैनीताल में है, तो इसके चीफ जस्टिस कौन है? रवि मालीमाथ। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 13। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ विधानसभा है जहां पर 70 सीटें हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। अब राजस्थान देखते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत महंती। देखो राजस्थान की जो हाईकोर्ट है ये जोधपुर में बेस्ड है। बाउंड्री इसके कितने राज्यों के साथ लगती है राजस्थान की? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ उत्तर राजस्थान की बाउंड्री टच होती है। जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में? जिलों की संख्या है 33। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। यहां पर भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। दूसरा राज्य देखते हैं, गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। बाउंड्री इसकी कितने राज्यों के साथ लगती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री टच होती है। और गुजरात की जो हाईकोर्ट है ये अहमदाबाद में है, जहां के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। जिलों की संख्या कितनी है गुजरात में? 33। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहां पर भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ये तो बात करी हमने गुजरात की। दूसरा राज्य देखते हैं अब मुंबई। मुंबई देखो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। जिलों की संख्या कितनी है? 33। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78। यहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाउंड्री महाराष्ट्र की कितने राज्यों के साथ लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। देखो इसकी जो हाईकोर्ट है ना महाराष्ट्र की, ये बॉम्बे हाईकोर्ट है। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। और एक बात और याद रखेगा, इसकी जुरिस्टिक्शन में महाराष्ट्र, गोवा और ये डीएनएच डीडीए क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब ये एक हो गया है,
अभी मर्ज हो गई है, तो इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। अगला राज्य देखते हैं, पणजी। गोवा की कैपिटल है पणजी, एक सेकेंड। हाँ, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। इन्हीं के पास गोवा का एडिशनल चार्ज है। बाउंड्री किसके साथ टच होती है गोवा की? महाराष्ट्र और कर्नाटका। और जिलों की संख्या कितनी है? दो। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 40 सीटें। और देखो, जो महाराष्ट्र के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वही इसकी जुरिस्डिक्शन देखते हैं दीपांकर दत्ता। अभी हमने पीछे देखा था गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और महाराष्ट्र, तीनों की जुरिस्डिक्शन जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अगला राज्य देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है वाजुभाई वाला। इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है कर्नाटक की? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर गोवा। इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की बाउंड्री टच होती है। और यहाँ की कर्नाटक की जो हाईकोर्ट है ये बैंगलोर में है, जहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। फिर से बोलता हूँ, अभय श्रीनिवास ओका। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 30। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें। यहां पर भी बायकैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये तो बात करी हमने कर्नाटक राज्य के बारे में। अगला राज्य देखते हैं, अब है केरला। केरला के कैपिटल क्या है? केरला की जो कैपिटल है यह है तिरुवनंतपुरम। ये देखिए यहां पे सीएम कौन है? सीएम है पिनाराई विजयन। ये यहां के सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर, राज्यपाल कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान, ये राज्यपाल है। बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है केरला की? कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के साथ केरला की बाउंड्री लगती है। जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें, विधानसभा की 141 सीटें। चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। देखो, ये जो केरला की हाईकोर्ट है ना ये कोची में स्थित है और इसकी जुरिस्डिक्शन में केरला और लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है इन दोनों की जुरिस्डिक्शन इस केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। एक बात आप याद रखिएगा, देखो केरला की बात चल रही है तो एक चीज यहां से पूछ लेता हूं। ये साउथ इंडिया का मैप है, ये इधर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक टाइगर रिजर्व है जो फेमस है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। फिर से बोलता हूँ, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व ये इनके बॉर्डर पर है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, जहां पे नीलगिरी हिल्स हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? इदापड़ी के पलानी स्वामी। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है तमिलनाडु की? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, इन तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री लगती है। और यहाँ की जो हाईकोर्ट है तमिलनाडु की ये चेन्नई में बेस्ड है, जहां के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। जिले कितने हैं? जिले हैं 38 और लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की हैं 234 सीटें तमिलनाडु के अंदर। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ, ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये देखिए, और यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है इसकी ओडिशा की? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन तीन राज्यों के साथ बाउंड्री टच होती है ओडिशा की। ओडिशा की जो हाईकोर्ट है यह है कटक में, और यहाँ के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद राफिक। जिलों की कितनी संख्या है ओडिशा में? 30। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, पश्चिम बंगाल। एक सेकेंड, ये मिटा देता हूँ। हाँ, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बैनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ की बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है? सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड या बिहार, इन 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री टच होती है। जिलों की कितनी संख्या है? 23। लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294 सीटें। चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम है थोथा थिल बी राधाकृष्णन। देखो नाम डिफिकल्ट है, शॉर्ट फॉर्म याद रखेगा टीबी राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल की जो हाईकोर्ट है ये कलकत्ता में ही है, जहां के चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ये पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आती है।
तो इतना आप याद रखेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सभी कुछ राज्यों के यानी 10 से शायद 11 राज्यों के बारे में हमने कवर किया है। देखो जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम बाकी बचे हुए राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वैसे तो एक वीडियो में भी हो सकता है कवर, लेकिन कोई नहीं दो वीडियो बना लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये 11 राज्यों को कवर किया और दूसरी वीडियो में बाकी बचे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।